अच्छा कविता पाठ भाई देवेन ने किया, आपने बहुत आनंद लिया। आते ही सबसे पहले साड़ू भाई निश्चित किया कि आप और हम साड़ू भाई हैं, यहाँ भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है देवेन। ये जितने भी लोग ऐसे बैठे हैं जिनके सर पर चांद चमक रहा है, ये क्यों चमकता है? मेरा मानना है किसी पुरुष के जीवन में दो महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं। मंजू जी, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है। वाह वाह, आप उनकी तरफ क्या इशारा कर रहे हैं? उनको देखकर लग रहा है पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। वाह वाह वाह, मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। देवेन की बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हर जगह जुगाड़ करना जानता है। जब अगले का ब्याह हुआ और पंडित जी ने फेरे दिलवा और कहा कि देख बेटा देवेन, आज से ये गृहस्थी साइकिल की तरह है और तुम पति पत्नी साइकिल के दो पहिए हो, ठीक से चलाना। अगला वहां भी पंडित जी से पूछ बैठा, बोले पंडित जी फिर पड़ोसन को मिला कि एक साइकिल रिक्शा बना सकते हैं क्या? इतना खतरनाक व्यक्ति है, इतना खतरनाक व्यक्ति है। आर्य पुत्र आप जा रहे हैं, बढ़िया है, मैं शुभकामना देती हूँ आपको। अब इस समय आप घर पधार रहे हैं। दीदी ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोरोना में एक सर्वे हुआ, कोरोना की बहुत सारी बातें हुई, कोरोना में सर्वे हुआ और सर्वे में ये पता चला कि देश की 80% महिलाएं अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं। अग्रवाल जी, 80% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं और 80% पुरुष ऐसे हैं जो पत्नी बदलना चाहते हैं। ये जितने भी तालियां बजा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी स्थिति वैसी ही है। वो बाऊजी जो ताऊजी हमारे जा रहे हैं इस समय, कार्यक्रम से पहले मुझे मिल गए थे, तो किशनगढ़ है, यहाँ अति बुद्धिजीवी लोग हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा काका जी आपके समय तो संस्कार कहाँ हुआ करते थे, अब तो बचे ही कहाँ है। आपने बहुत फोटो वोटो सब सेल्फियाँ खींच ली आदरणीय रामलाल जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि जिसका कोई नहीं होता उसके राम जी होते हैं। हैं क्या अब समय ऐसा आया है जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है फिर वो किसी का नहीं होता है। तो मैंने काका जी से पूछा, मैंने कहा आपके समय के संस्कार ऐसे थे जब आपकी शादी हुई और आपको काकी जी से मिलना होता था तो आप क्या करते थे, ऐसे थोड़ी मिल सकते थे। वो मुझसे बोले मैं हरिद्वार गया था, वहां से घंटी ले आया था, मैं घंटी बजा देता वो समझ जाती कि मिलना है। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, काकी जी को आपसे मिलना होता तो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, वो तो हर 10 मिनट में आके पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। काका जी वो घंटी ढूंढने गए अभी। मतलब इस 250 ग्राम के व्यक्ति में जिस तरीके से जान आई है अचानक से, नींद में से जैसे जागृत हुआ है अगला, इसकी भी बड़ी गजब कहानी है। मेले में गए पत्नी को लेकर और खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा, दीदी सच्ची घटना है, सहेली से कहा कि पति खो गया है। थानेदार साहब के पास पहुंची कि पति खो गया है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया वुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस 250 ग्राम के व्यक्ति को एक बार फिर गौर से देखना। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका आए। प्रेरणा जी, हमारे यहाँ तो भंगार में भी कभी कभी ऐसा सामान हाथ लग जाता है कि धो धा के काम में ले तो बरसों तक चलता है। बिल्कुल सही है, आपको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर पे बरसों से यही काम चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है।